चलो भागो, ओ चलो भी, ओ चलो, बस थोड़ा और, चलो चलो। मैं फिर से हार गई। हे, अब खेलने की बारी मेरी है। हे, चलो इसे वापस करो। मुझे भी गेम खेलना है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बचकर नहीं जा सकते, समझे? मुझे वो गेम खेलना है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे वो गेम खेलना है। ये एक खिलौना है जिस पर बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं। बेर, तुम कब से उसे खेल रहे हो? अब हमें खेलना है। लो, हो गया हमारा गेम ओवर। उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। एक इमरजेंसी आ गई है। मेयर को तुम्हारी मदद चाहिए। वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। तुम्हें शर्म नहीं आती? वहाँ वो तड़प रहा है और तुम यहाँ खाना बना रहे। तुम्हें बैर को पूरी तरह ठीक करना होगा, उसके बाद तुम अपना खाना बना लेना। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए अब उसके दोस्तों को उसकी मदद करनी होगी। एक इमरजेंसी आ गई है। एक इमरजेंसी आ गई है। मैं को तुम्हारी मदद चाहिए।
बेचारा बैल। हमारे देश के सबसे बड़े फुटबॉल अरीना से जहां इस सीजन का आखिरी मैच शुरू होने वाला है और यही मैच तय करेगा कि चैंपियनशिप किसे मिलेगी। दोनों टीम्स पिच पर आ चुकी हैं और अब और मैच शुरू हो गया है। अब सबकी नजरें बस इसी गेम पर टिकी हैं। हमारी टीम ने बॉल पर कब्जा कर रखा है ताकि सामने वाले उसे हासिल न कर सके। वो बॉल को एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पास करते हुए ओपोनेंट के पेनल्टी बॉक्स तक आ रहे हैं। हमारे स्ट्राइकर ने शूट करने की कोशिश की, बॉल ओपोनेंट के डिफेंडर पर से उछली और गोलकीपर के पास जाकर गुड आफ्टरनून प्यारे दर्शकों, ये है हमारा वीकली हेल्थ प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मिटाने के अलग अलग तरीकों के बारे में। स्ट्रेस हम आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे जो बस 10 मिनट में स्ट्रेस को मिटा देगी। सबसे आसान तरीका है किसी रिक्लाइनर या आरामदायक कुर्सी पर बैठकर शांति से चैन की सांसें लेना, या आप गर्मा गर्म चाय का मजा भी ले सकते हैं, या फिर आप तब में नहाने का गर्म पानी भरकर बड़े आराम से उसमें बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मुंह बंद रखकर नाक से गहरी सांस लें और फिर अपने चेहरे के निचले हिस्से को पानी में डुबाएं और फिर नाक से धीरे-धीरे सांस छोड़ें। बस याद रखें, इनमें से कोई भी तरीका कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी तकलीफ ठीक है। तनाव और थकावट आपका जीना मुश्किल कर सकते हैं, पर इतना याद रखिए कि आपको देर सवेर एक सेल फोन तकलीफों का हल मिल ही जाता है। मुझे दो। ओए, मैं जंगल में टहलने जाऊं? वहां तो वुल्स होते हैं ना? ठीक है, मैं नंबर डायल कर रही हूँ। Oh, wow.
सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट हाफ के अंत में ओपनिंग टीम के एक खिलाड़ी को फाउल करने के लिए पेनल्टी दी गई थी। सारे खिलाड़ी फिर से फील्ड पर आ चुके हैं। नंबर डायल कर रही हूँ। सेकंड हाफ के अंत में जोड़े गए एक्स्ट्रा मिनट्स भी अब खत्म होने वाले हैं। नंबर डायल कर रही हूँ। सभी खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगता है कि अब मैं नंबर डायल कर रही हूँ। हमारी टीम के फॉरवर्ड ने डिफेंडर को टॉच किया है। मैं डायल नंबर कर रही हूँ और बॉल को सीधे गोल की ओर भेज दिया। और अब चलो भागो। एक और केक और ये एक और गोल। Thank you.
की कोई बात नहीं है, हमारा बैग सब ठीक कर देगा। क्यों ना हम बाहर चलकर कुछ अच्छा सा खाएं? ये क्या है? ये खाना है? नहीं, ऐसे तो आदि मानव खाते हैं। पर कोई बात नहीं, बस देखते जाओ, अब मैं क्या करती हूँ? जो चाहता था कि आउटर स्पेस के एलियंस उसे किडनैप करे। इस लड़के को दो चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, किताबें और उनके साथ कैंडी। और उसे बच्चों वाली किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, जिसमें होती थी बाबा यागा। सिर्फ सीरियस किताबें पढ़ता था। उसे पसंद थी किताबें आउटर स्पेस के एलियंस वाली, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस वाली और ह्यूमनॉइड्स वाली दूसरी साइंस फिक्शन कहानियाँ। वो उन्हें रात में कंबल के नीचे छिपकर पढ़ता, क्योंकि एलियंस हमें देख रहे होते हैं कहीं दूर दूर से, और वो हमेशा ही उसे चुरा लेते हैं जो उसकी जगह पर ना हो। सिर्फ एक कंबल ही हमें एलियंस से बचा सकता है, ये जांचा गया है।
आज तक एक ह्यूमनॉइड कंबल के नीचे छिपे बच्चे को कभी ढूंढ नहीं पाया है। पर एक रात जब घोर अंधेरा छाया था, उस लड़के को लगा कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल उसे ढूंढने वाला है। अंधेरे में कंबल के ठीक बाहर से सुनाई दी एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी ने पर्दा खोला हो, और फिर लड़के को सुनाई दी कदमों की आवाज, और फिर उसे सुनाई दी किसी की डरावनी गहरी सांसें, और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तकिए के पास छिप गया। वो लड़का डर के मारे छिपते छिपते थक गया था। उसने कंबल के नीचे से झांका और बैम, उसे कोई भी नहीं दिखा। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। और फिर अचानक अंधेरे में तेज रोशनी की एक किरण चमकी। वो चिल्लाना चाहता था पर चिल्ला नहीं पाया, क्योंकि ठीक उसके सामने रोशनी की एक किरण आ गई थी। और फिर उसने देखा एक डरावना जंगली सा हेडजॉग। वो भला कितना डरावना हो सकता था? वो सिर्फ एक छोटा हेडजॉग था। वो कैंडी की खुशबू सूंघते हुए घर के अंदर आ गया, फिर बेड साइड टेबल पर चढ़ गया और पांव लैंप स्विच पर गिर गया। तो जब लैंप जल उठी, वो हेडजॉग इतना डर गया कि वो कैंडी के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया। लड़के को ये देखकर खुशी हुई कि वो हेडजॉग कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं था, और वो दोनों दोस्त बन गए। लड़के ने हेडजॉग को एक वॉशिंग मशीन में डाला, फिर उसे एक रॉकेट पर बिठाकर लॉन्च कर दिया, और हेडजॉग को सब में बड़ा मजा आया। वो खुशी से हर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनता, अगर बाद में उसे एक कैंडी मिल जाती तो। पर एक काली अंधेरी रात को वो हेडजॉग अचानक गायब हो गया। लड़का समझ गया क्या हुआ था। वो ह्यूमनॉइड्स बस उस हेडजॉग को चुराने का इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने अपनी शिप इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए तैयार रखी थी, और हेडजॉग के साथ वो एलियंस घर से सारी कैंडीज भी ले गए थे। लड़के ने अपने डर पर काबू किया और वो हेडजॉग और कैंडीज को एलियन से बचाने के लिए भागा। और अचानक उसने कुछ देखा। घर के ठीक सामने सैंडबॉक्स में प्लेग्राउंड पर था एक फ्लाइंग सॉसर, दो हरे एलियंस, वो हेडजॉग और कैंडीज से भरी हुई एक थैली। और आगे जो हुआ उससे तो उसके होश ही उड़ गए। हेजहॉग ने उतारा अपना हेजहॉग सूट और पता चला कि वो तो एक हेजहॉग था ही नहीं, वो भी एलियन था, बाकी दोनों की तरह। लड़के के मुंह से चीख निकल गई, और फिर एक अजीब सी बात हुई। वो एलियंस इतना डर गए कि वो अपने फ्लाइंग सॉसर में बैठकर वहां से चले गए, पर फौरन ही वापस आए, फिर कैंडीज की थैली उठाई, फिर से डरे और चले गए। अब लड़के को एहसास हुआ कि डरने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार एलियंस तो बस हरे ह्यूमनॉइड्स होते हैं जिन्हें कैंडी अच्छी लगती है। उन्हें भला स्पेस में कैंडी कहाँ मिलती, इसीलिए तो वो हमारे पास आते हैं कैंडीज लेने। उस दिन से हर शाम को वो लड़का हमेशा अपनी खिड़की पर कैंडी रखता। अगर बाय चांस एलियंस आ जाएं और वो सो रहा हो तो उनके मजे होते थे। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जैसे कि गंदे डरावने मॉन्स्टर्स या डरावने सपने। हाँ, हमें बहुत डर लगता है, पर कभी किसी ने उन्हें असल जिंदगी में देखा नहीं होता है। पर एक लड़का उनसे मिला था। मैं बताती हूँ ये कैसे हुआ था। एक वक्त की बात है, एक जगह थी जिसे सब छोड़कर चले गए थे, वो थी एक ट्रैक्टर फैक्ट्री। अब हुआ यूं था कि उस लड़के ने अपने टॉय ट्रैक्टर का स्कूप खो दिया था, और उसे यकीन था कि उसे दूसरा स्कूप उस फैक्ट्री में मिल जाएगा। और एक दिन दोपहर के वक्त घर के बड़ों की नजर से बचते हुए वो वहाँ पर चला गया। लड़के ने फैक्ट्री की दीवार पार की और उसने देखा अपने सामने फैली हुई एक लंबी बिल्डिंग। हर
तरफ टूटे हुए खम्बे पड़े हुए थे और सारी खिड़कियाँ टूटी हुई थी। सभी लाइट्स बंद थी और टूटे हुए टावर की एक छोटी खिड़की में एक छोटी लाइट चल रही थी। वो लड़का उस टावर पर चढ़ने लगा और वहाँ उस कमरे में आईने के सामने वाली टेबल पर एक बड़ा ही बदसूरत मॉन्स्टर आराम से बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर बाल थे। उसने आईने में खुद को देखा और फिर होठों पर लिपस्टिक लगाई एक पेंटिंग रोलर से। उसके लिए बस एक ही शब्द याद आता है, भयानक। लड़के को डर के मारे हिचकी आ गई और सन्नाटे में उसकी आवाज इतनी तेज आई कि वो मॉन्स्टर डर गया और वो रोलर उसके मुंह में जा गिरा। डर के मारे वो लड़का भागा, सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा और उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे आ पहुंचा था एक गीली गंदी अंडरग्राउंड गुफा में। उसने आसपास देखा, अरे बाप रे बाप। वो बैठे हुए थे एक दूसरे के सामने कुछ बक्सों पर, दो मॉन्स्टर्स, और उनके पास खड़ा था एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी। वहाँ पर केबल लपेटने वाली एक लकड़ी की रील पड़ी थी और वो उसे पटके जा रहे थे जोर जोर से। और अचानक वो मॉन्स्टर जिस पर बहुत सारे स्केल्स थे और जिसका सिर एक पाइक जैसा था और पूंछ एक सांप जैसी, उसने जोर से रील को पटका और कहा, मैं जीता। और वहां बैठा हुआ दूसरा मॉन्स्टर जिसने अपनी सूंड को कंधे पर डाला हुआ था हंसने लगा इतनी बुरी तरह से कि उसे सुनकर लड़के के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि उस पर कीड़े रेंग रहे हों। फिर दोनों मॉन्स्टर्स ने मूंछों वाले आदमी को उठाया और उसे सिर पर मारने लगे। वो लड़का जो बुरी तरह से डर गया था किसी तरह उस अंडरग्राउंड गुफा से बाहर निकला और उसने खुद को एक वर्कशॉप में पाया। हर तरफ सन्नाटा था और अंधेरा हो रहा था, पर दूर कहीं पर कुछ लीक हो रहा था टप 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 करते हुए। और फिर उसने देखा वर्कशॉप के बीचों बीच था एक सिंहासन जिस पर लगी थी खोपड़ी और हड्डियाँ और उस पर बैठा था एक राजा जो खुद एक शेल में था और उसके हाथ में थी एक लेजर सॉर्ड। उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी और उसका रंग गुस्से से और भी हरा हो गया। फिर अचानक ही लाइट्स ऑन हो गई और किसी की पतली सी आवाज सुनाई दी, रुको रुको रुको, ये अजीब सा बच्चा हमारे कैमरा के सामने कैसे आ गया? मिस असिस्टेंट, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे माहौल में शूटिंग नहीं कर सकता, मुझे ब्रेक चाहिए। कहीं ऊपर से एक कैमरा प्लेटफॉर्म पर लगाया हुआ कैमरा नीचे लाया गया और तब सिंहासन पर बैठे हुए राजा ने अपनी लेजर सॉर्ड को एक तरफ फेंका और गुस्से से कहा, फिर से एक ब्रेक, अब तक 150 टेक्स हो चुके हैं। असल में वहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और लड़के को इसका एहसास तब हुआ जब मूंछों वाला आदमी उसे बाहर छोड़ गया। वो सारे मॉन्स्टर्स तो एक्टर्स थे, वो असली नहीं थे और वो तो बस एक्टिंग कर रहे थे। तो फिर मैं एक बुद्धू की तरह उनसे क्यों डरूं? तो मेरे दोस्तों, किताबों और फिल्मों के सभी मॉन्स्टर्स सब के सब नकली होते हैं, बस एक कहानी, किसी के दिमाग में आया हुआ एक ख्याल। और अगर आपको एक असली मॉन्स्टर देखना हो तो एक मक्खी को देखिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो।